नमस्कार, मैं गौरी वर्मा, देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। खबर मऊ से है। जनपद के मोहम्मदाबाद गोहाना तहसील क्षेत्र के ग्राम सभा कोठिया के दलित बस्ती में ग्रामवासियों ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने जितना काम दलितों के लिए किया है उतना आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया, इसलिए हम सभी इस बार लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को वोट करेंगे। बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर धर्म सिंह गौतम ने भाजपा सरकार में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हर ग्राम प्रधानों पर मीटिंग करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। देखिए। नमस्ते, मैं प्रमोद विश्वकर्मा। आज हम मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गोहना के कोटिया ग्राम सभा में आपको बताना चाहेंगे, एक दलित बस्ती है, यहाँ जानना चाहेंगे इसमें दलितों का वोट कहाँ जा रहा है। मेरे साथ कुछ ग्रामवासी हैं, आइए जानते हैं। भैया, चाचा, इस बार वोट कहाँ जा रहा है आपका? बहन जी को। बहन जी को, तो और भी तो प्रत्याशी है चाचा, एनडीए प्रत्याशी अरविंद राजभर भी है, सपा से राजीव राय जी भी है। ठीक है, लेकिन हम देंगे बहन जी को। बहन जी को, हाँ। भैया, किसको वोट करेंगे इस बार आप? मायावती। ऐसी क्या बात है कि बालकृष्ण चौहान और मायावती में मतलब क्यों वोट करना चाह रहे हैं, बताएंगे आप? हम लोग बराबर देते हैं उन्हीं को। नहीं, बराबर देते हैं, कुछ कारण तो होगा ना देने का भैया, कि हमारे गांव में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या चीज है? भैया देखिए, बस मायावती का नाम ले रहे हैं। भैया, मेरे साथ चाचा है, बुजुर्ग व्यक्ति है, जानना चाहेंगे। चाचा, किसको वोट करेंगे आप? हम बहुजन समाज पार्टी को वोट करेंगे। किस मुद्दे को लेकर करेंगे चाचा? और भी प्रत्याशी बढ़िया है, अरविंद राजभर भी है बीजेपी से, सपा से राजीव राय जी भी है, क्या किस? कुल मिला के हम बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं जी, यहाँ के पूर्व प्रधान भी हैं जी, ठीक है, पूर्व सैनिक भी हैं जी, और हम लोग कट्टरवाद में रहते हैं जी। जब आज तक हम वोट देते आए तो अब किसको देंगे, हम किस लिए देंगे? नहीं, और भी नेता यहाँ पर आए, सांसद बीजेपी के रहे, आते और जाते हैं, उनसे क्या लेना देना? आपके क्षेत्र में कभी काम नहीं हुआ? कौन काम किया? आज तो कोई काम किया है? जो प्रत्याशी अतुल राय जी जीते, 5 साल रहे, वो तो जेल में रहे। अरे अतुल तो कभी नहीं आए। अतुल राय जी जीते भी, फिर भी तो जेल में रहते हुए लिया के बेचारे, एक लाइफ तो बांध के गया, इतना तो किया है आदमी, और कोई नहीं आया सर। हाँ, और कोई प्रत्याशी अभी तक भी? सरदार प्रसाद विधायक थे, यहाँ का बहुजन समाज पार्टी के विधायक थे, तो उस समय भी काम हुआ है। ये रोड रोड हमारा जो है उन्हीं की देन है, और कौन यहाँ कोई झांकने तक आता है क्या? अभी तक कोई प्रत्याशी प्रचार करने के लिए कोई आया? आए होंगे, लेकिन हम लोग जैसे कार्यकर्ता से नहीं मिलते हो। आप लोग गाँव में है, अभी कोई आया कि नहीं प्रत्याशी प्रचार करने के लिए? कोई नहीं है। बालकृष्ण चौहान जी आए ना कि नहीं आए? वो भी वो आए हैं। अरविंद राजभर जी नहीं आए? किसको वोट करेंगे, किस मुद्दे को लेकर वोट करेंगे? बहन जी को देंगे। किस मुद्दे पे वोट करेंगे? बहन जी को देंगे तो? हम तो अच्छे लगते हैं, उसका विचार अच्छा है जी, उसी से हम देंगे, उसी को देंगे। बालकृष्ण चौहान तो लड़ रहे हैं इस बार बीएसपी से ही, तो वो आपके क्षेत्र में एक बार यहाँ पर सांसद रह चुके हैं 1999 में, क्या दोबारा बनेंगे? उससे पहले जब सांसद थे तो आपके क्षेत्र में आए? नहीं नहीं आए, तो फिर क्यों दे रहे हैं, फिर क्यों दे रहे वोट? हम उन्हीं के देव मायावती को, कोई भी हो उनके पार्टी से कोई खड़ा हो, लेकिन मतलब आपको विकास से कोई मतलब नहीं है हमको, आप बस आपके दिमाग में है कि हमको बहन जी को देना है? ये मतलब है जी, बताए फिर। विकास जो भी करे ठीक है, लेकिन वोट सब विकास करे, लेकिन वोट उन्हीं के देंगे। भैया, आप कह रहे हैं विकास की बात नहीं, विकास बहन जी नहीं की है, दलितों के लिए 122 बिफोर अप की है, 198 बिफोर की धाराएं वो लागू की थी, है? जो सरकार आई पूरा धारा सब खत्म हो गई, सब व्यवस्था खत्म हो गई, अब कौन दलितों को पूछने वाला है? मेरे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, जाते हैं उनके पास। किसको वोट करेंगे आप? हम बीएसपी को वोट करेंगे। किस मुद्दे को लेकर वोट करेंगे? बीएसपी शिक्षा पे सबसे अधिक जोर देती है और उसका शासन व्यवस्था सबसे अधिक रहता है, क्योंकि हम 10 साल के कार्यकाल में बीजेपी के देखे, हमारे उत्तर प्रदेश में कोई भी विश्वविद्यालय नहीं बना, ठीक है? हाँ, तो हमारा क्योंकि बीएसपी आती है, शिक्षा पड़ती है। आजमगढ़ तो विश्वविद्यालय खुल गया ना? तो खुला है ना, लेकिन अभी मान लीजिए उसका क्या है, खुला है अभी तो उसका, अभी कोई मान लीजिए जब शासन की बात कर रहे हैं तो योगी जी के राज में तो जो पहले औरतें शाम के बाहर नहीं निकलते थे, अब तो खुले खुले व्यापारी भी जा रहे हैं। देख तो सुरक्षित बीएसपी सरकार में है जी, आज कहाँ औरतें सुरक्षित है ये बताइए, अभी हाथरस का कांड हुआ है जी, वो कहाँ सुरक्षित है? इतिहास दोहराया जा रहा है, उस समय भी जो हम होली मनाते हमारे दलित वाहन को जलाया गया, आज भी जलाया गया, तो हम कैसे कहें कि हम सुरक्षित हैं? और जो यहाँ जो यूनिवर्सिटी बने हो तो कागज बने हैं ना, और अम्बेडकर विश्वविद्यालय अम्बेडकर नगर में बना, वहाँ बना। भाजपा कहती है कि हमारे स्वशासन में महिलाएं काफी सुरक्षित है,
सुरक्षित है कुछ भी है, लेकिन भाजपा जो है जब शिक्षा पे GST 18% ला रही है तो भाजपा क्या करती है कि वो सबसे अधिक टारगेट कर रही है देश को, हमारी जनता को बर्बाद करने की शिक्षा टारगेट की। जिस देश में GST 18% शिक्षा पर रहेगा तो वो देश कितना विकास करेगा। हमको BSP लाना है, अपने अपने समाज की अपने देश का शिक्षा का विकास करना है। अगर सांसद जी यहाँ से जीतते हैं तो आपको क्या लगता है कि वो आपके हित के कार्य करेंगे? पूरा करेंगे। 1999 में एक बार जीते थे यहाँ से बालकेश चौहान जी, तो क्षेत्र में आए थे, जैसे भाई साहब ने कहा कि हमारे यहाँ नहीं आए, आए थे, उनको जानकारी नहीं रही होगी, आए थे, अभी तक आए? हाँ अभी आते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जब हमारा जब मुखिया सही रहेगा तो उसके कार्यकर्ता सही रहेंगे। हमारी बहन जी बाबा साहब के मार्ग चलती हैं और बाबा साहब ने शिक्षा को अपना हथियार बनाया, और बहन जी हो वो भी अपना शिक्षा का अधिकार, हमारे माननीय कांतिराम जी शिक्षा को अपना हथियार बनाए, तो हम मायावती वोट दें, क्योंकि वो शिक्षा को पहले वरीयता देती हैं जी। और शिक्षा हमारे देश का, हमारे समाज का, हमारे लोगों का जब भी विकास होगा शिक्षा से होगा, शिक्षा से होगा। हमें शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, क्योंकि आज मान लीजिए एक वैकेंसी आती है BJP सरकार में, पेपर होता है, बच्चे भी घर नहीं आते तब तक पेपर लीक, पेपर लीक मतलब वो तो हर काल में हुआ, जैसे जितना पेपर लीक इस समय BJP गवर्नमेंट में किसी में नहीं हुआ है जी। इसीलिए हम अगर हमारे ये चाहते हैं कि अगर हमारे देश का विकास होगा तो शिक्षा से। आप किस मुद्दे को लेकर इस बार वोट करेंगे आप? हम शिक्षा पर लेंगे, रोजगार पर लेंगे, रोजगार हाँ, क्योंकि रोजगार मिलेगा, शिक्षा मिलेगा तो सब कुछ मिल जाएगा, इसके आगे कोई जरूरत नहीं है। हमें BJP सरकार से 5 किलो राशन नहीं चाहिए, हमें रोजगार दे दे, हम 5 किलो राशन खरीद लेंगे, इसके कुछ यही हमारा यही है शिक्षा। चाची आप किसको वोट करेंगे इस बार? आपके भाई बहुत पुराने हैं यहाँ पर, आपने विकास भी दिखा होगा, क्या है क्या नहीं है, किस मुद्दे को लेकर विकास करेंगे? अच्छा थोड़ा सा कम, मायावती को वोट करेंगे? चाची क्या नाम है आपका? आशा देवी। किस मुद्दे को लेकर वोट करेंगे आप इस बार? मायावती के। क्यों करना चाहती है मायावती जी को? शिक्षा चाहिए, हमें तो रोजगार चाहिए। तो रोजगार नहीं मिल रहा है इस सरकार में? नहीं, बिल्कुल नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा है। क्या आप? हाँ भैया। किसको करेंगे आप? बहन जी। किस मुद्दे को लेकर? रोजगार को लेकर और शिक्षा। इस बार तो दलित, कुछ दलित भी BJP में जा रहे हैं, लेकिन आप लोग क्यों BSP में जा रहे हैं? हम लोग इसलिए जा रहे हैं कि हमारी बहन जी जो है इसी में अपना जीवन बिता दी और वो रही, तो हम लोग को सब सुरक्षा मिला, सब सुरक्षा मिला, हाँ सब सुरक्षा मिला इसीलिए। चाची आपका नाम? कुमारी। किस मुद्दे को लेकर वोट करेंगे, किसको करेंगे? मायावती। देखिए अभी तो मायावती जी भी आई, प्रधानमंत्री मोदी जी भी आए, तो आप गए थे कि नहीं किसी रैली में? किसमें गए थे आप? अहमदाबाद मायावती जी की रैली में। हाँ, हाँ। तो देखने को मिली होंगी आपको? तो किस मुद्दे को लेकर वोट करेंगे आप? हाथी भाई। भैया चाची क्या नाम है आपका? गायत्री जी। किस मुद्दे को लेकर? BDC की प्रत्याशी हूँ। BDC प्रत्याशी इसी ग्राम सभा से? ग्राम सभा से जी। मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन जी, मेरे गांव के लोग सदस्य हूँ मैं, मेरे गांव के लोग 1500-1600 वोट है, मुझे विश्वास है कि मेरे सारे लोग, बहन जी, मेरी भैया जी लोग, अगर 1600 वोट है क्या वो सब BSP पे जा रहे हैं? नहीं, बहन जी पे जाएगा। वही मतलब वही बहन जी BSP बहुजन समाज पार्टी पे, समाज पार्टी पार्टी पे जा रहा है। क्यों, कुछ वोट भटकेंगे नहीं क्या? नहीं, कहीं और नहीं जाएंगे? सपा पे जाए या किसी पे जाए? विश्वास है, विश्वास है आपको? विश्वास है BDC होने पर? यहाँ के प्रधान जी, प्रधान जी तो हैं। अच्छा भैया नहीं, किस मुद्दे पे वोट? हम आजमगढ़ के। अरे कोई बात नहीं, आजमगढ़ के तो क्या हो गया, आजमगढ़ आपने वोट करा होगा ना? किस मुद्दे को वोट करा होगा आपने वहाँ पर? हम जिस पार्टी के उस पार्टी में वोट किए। पार्टी की बात छोड़ दीजिए, हम एक विकास की बात करते हैं। देखिए आप, अब आपके हाँ, किसको आपने दिया, किस मुद्दे को लेकर दिया है? क्योंकि अब आपके बच्चे भी हैं भाई, उनको रोजगार चाहिए, क्या किस मुद्दे को लेकर आपने दिया होगा बताए? नहीं मैं बोल नहीं। चलिए चलिए भाई साहब नहीं बताना चाहते। एक बात है ना भैया जी, जी मेरे गांव की जो जितनी सदस्य महिला है रोजगार सही नहीं मिला है। महिलाओं को रोजगार तो मिल रहा है, जैसे हर ग्राम सभा में भाजपा सरकार में एक समूह बनाया गया है, उस समूह के माध्यम से तो महिलाओं को रोजगार मिल रहा है, उनको कोई जरूरत कार्य भी है, उस समूह से पैसा निकाल के अपना कार्य भी कर रही है कम ब्याज में। तो बताए उसमें तो बहन जी को तो भाई, जब हम विकास की बात कर रहे हैं तो एक तरफा आपकी बात, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। चाची आप बताए, मायावती भैया मायावती को वोट करेंगे? आपके ग्राम सभा में कोई समूह चलता है? चलेगा, चलता है ना?
उसमें लोगों को कुछ जो मजदूरी आर्थिक जरूरत होती है उसमें कुछ सहयोग मिलता है कि नहीं? नहीं, 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 कोई नहीं देता है? कोई नहीं, कोई नहीं। चाचा बहन जी को दे, बहन जी को। चलिए भैया और कुछ मेरे साथ लोग हैं हमारे साथ, देखिए यहाँ पर जनसंपर्क हुआ था, डॉक्टर धर्म सिंह गौतम भी आए हुए हैं। सर आप कुटिया में मिले हैं और देखे यहाँ पर सभी लोग उत्साहवर्धक, केवल एक ही पे बस बीएसपी, इस पे क्या कहना चाहेंगे सर? जी बहुजन समाज पार्टी का समाज है, बहुजन समाज पार्टी के साथ हमेशा जुड़ा रहा है और जुड़ा रहेगा जी। और चूंकि ये हमारा दबा कुचला समाज है और माननीय बहन जी को बहुत अपना आदर्श नेता मानता है और नेता के हिसाब से ही चलता है, हमारे कार्यकर्ता वर्कर जो भी हैं, ये माने कांशीराम साहब का संगठन जो है इतनी मजबूत हुआ है कि उसी सब हम लोग पालन करते हैं। देखिए महिलाएं जैसे भी बात चल रही थी कि रोजगार की बात, अब हर एक ग्राम सभा भैया रोजगार दिया गया, तो अब बताइए कौन सा रोजगार दिया गया? समूह बनाया गया पत्र समूह में, देखिए अभी तक समूह का जो बात कर रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग समूह में जो लोन लिए हैं, पैसा लिए है, आज तक कोई एक पैसा जमा किया, दूसरे लोग को प्रताड़ित किया जाता है, दोबारा पैसा जबरदस्ती मांगा जा रहा है। बहुत से शिकायत हमारे पास आई है इस तरह की कि जो औरतें पैसा भर रही हैं, कुछ औरतें उसमें से पैसा नहीं भर पाई हैं, तो जो भरी है बेचारी को प्रताड़ित किया जा रहा है कि नहीं आपको टोटल पैसा। मैंने एक वीडियो देखा, किसी तरह परेशान किया जा रहा है। मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें यही की ग्राम सदस्य कह रहे थे कि हम इस बार बीएसपी का बहिष्कार करते हुए हम बीजेपी में जाएंगे। देखिए जो वीडियो की बात कर रहे हैं उस वीडियो को मैंने भी देखा है जी। और चूंकि यहाँ के वर्तमान प्रधान जी उस वीडियो में इन्वॉल्व है और उन वीडियो में जो भी बात उन्होंने कहा उस बात को रखा है जी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस प्रधान जी की बात छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश में जितनी प्रधान है, चूंकि पंचायती राज मंत्री आपके माननीय जी के सुपुत्र जी चुनाव लड़ रहे हैं और ये DPRO के यहाँ दबाव डाला के, जो प्रशासनिक दबाव डाला के सभी प्रधानों का बहुत गंभीर आरोप लगा रहे। हाँ टोटल जो भी प्रशासन द्वारा आप किसी से प्रधान से पूछ लीजिएगा, मीटिंग करवाने के लिए प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप अपने गांव में मीटिंग करवाइए जी। हाँ इसके पहले भी एक प्रोग्राम ये लोग करवाए थे गांव-गांव में, बताया गया था कि नहीं आप लोग करवाइए, आप लोगों को फंडिंग की जाएगी, लेकिन जो प्रोग्राम उन्होंने करवाया आज तक कोई फंडिंग नहीं हुई है। दोबारा प्रेशर दिया गया था इन लोगों को कि दोबारा फिर प्रोग्राम कीजिए, बहुत से प्रधान इस चीज को मानने से निगलेक्ट कर रहे हैं, कुछ लोग दूरी भाग रहे हैं। भैया हम लोग यहाँ के कोठिया से क्या किस मुद्दे पर बोल रहे हैं? इस मुद्दे पे यहाँ की पहली मानसिकता है कि पूरा हमारे ग्राम सभा के जितना वोट है, 2000 वोट है, पोलिंग सब जी। बहन जी को वोट किया जाएगा, हम लोग पूरा। कुछ लोग बोल रहे हैं बाकी वोट एक भी नहीं जाएगा, सब बहन जी को वोट जाएगा यहाँ। अच्छा उस वीडियो जो आया उसकी कोई नहीं है, दबंग कोई नहीं है यार, कोई नहीं दबंग का हिसाब से वोट ले रहा है जी। को हमारे प्रधान जी झूठे बोल दिए थे कि हमको ये करते हैं वो करते हैं, कोई नहीं देगा हमारे गांव का वोट। अच्छा एक पंडित जी हैं भदीन का, उसी के चलते सारे हमारे गांव का दुख सुख में, पंडित जी तब हम लोग कोई देखा नहीं हमारे गांव का कब दुख सुख में आए हैं। अच्छा वो झूठे ताल का मुद्दा लेंगे, ताल खाली कोई करवा पाएगा? मुकदमा सरकार से चल रहा तो खाली होगा, अपनी मर्जी से दबंगई से खाली होगा? झूठे जात बिरादर का हमारे प्रधान जी नारा लगा के लड़ाई लगा रहे हैं कि अपने में लड़े मारे। आप बता दें कि हम कोठिया ग्राम सभा में थे, यहाँ पर महिलाओं से लेकर और जो पुरुष हैं सब बहुजन समाज पार्टी पर वोट डालने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी की जो मुखिया है मायावती जी, उन्होंने दलितों के लिए कार्य किया है, किसी और पार्टी ने आज तक नहीं किया है। सिरोज भारत के लिए प्रमोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। इस खबर में बस इतना ही, देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप सी न्यूज़ भारत।